हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो गुड़िया जी, कैसी हो आप? राधे राधे गुड़िया जी, कैसी हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आवाज आ रही होगी मेरी आप तक। गुड मॉर्निंग सबको। रोय जी गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? एक बार बताने का प्रयास करें कि आवाज आ रही है क्या। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे, बारिश का आनंद ले रहे होंगे। मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है प्रत्येक जगह। नेहू सैनी गुड मॉर्निंग, तोमर जी गुड मॉर्निंग, संजू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर। पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आपका अभिनंदन है मेरे मित्रों। पेपर फर्स्ट के साथ में कंप्लीट पेपर टू की तैयारी होती है। अनअकैडमी पर जिनका प्लस कोर्स लेने का मन है और सोच रहा है कि मुझे दिसंबर 2022 या जून 2023 में नेट का एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 यूज करना है। ये प्रोफाइल है राजेंद्र शर्मा के नाम से, आप मुझे फॉलो कर लें। किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, राजेंद्र 10 मेरे दोस्तों। ऑनलाइन जो पेड कोर्स है उसके ये सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल होते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में कोर्स परचेज करें। और यदि आपको प्रिपरेशन जर्नी सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पेपर वन के साथ में कंप्लीट पेपर टू आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे दोस्तों। बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। और ये टेलीग्राम की लिंक है, राजेंद्र शर्मा अनअकैडमी यूजीसी नेट जेआरएफ। जिनको यूट्यूब का नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलता है वो इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। पेड कोर्स में दो मॉडल हैं, आइकोनिक और प्लस। आइकोनिक सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी प्लानर होता है। जबकि प्लस में आपको वीकली टेस्ट, लाइव क्लास, कोर्स शेड्यूल मिलता है मेरे दोस्तों। बेनिफिट सबसे ज्यादा आइकोनिक में मिलते हैं, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कोर्स शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, डाउट सॉल्व सेशन है। जबकि प्लस में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए मैनेजर गोल में जाना है, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को आपको सेलेक्ट करना है, आइकोनिक पे क्लिक करना, मंथ सेलेक्ट कर लेना इनमें से। आपको आज लास्ट है, 30 तारीख तक 20% फीस में डिस्काउंट मिल रहा है। कैपिटल अक्षर में ये कोड यूज करना। प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक करना है, मंथ आपको सेलेक्ट करना है। ऑफर है 30 तारीख तक 20% फीस में डिस्काउंट मिल रहा है इस कोड को अप्लाई करने से। जिस प्रकार से अनअकैडमी पर प्लस क्लास होती है वैसे स्पेशल क्लासे भी होती हैं। और यहाँ पे इसनी स्पेशल क्लास ये लाइव चलती है, पोल का सिस्टम भी आता है, टेस्ट देते हैं तब, राइज हैंड का ऑप्शन है, क्लास मिस नहीं होती है, कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। ये 20% का ऑफ आज लास्ट है, 30 जून तक है। जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो कैपिटल अक्षर में इस कोड का प्रयोग करके ले सकता है, हमारे साथ में जुड़ के पढ़ सकता है। यूनिट शिक्षण अभिवृत्ति। राधे राधे सबको। मनीष, सिंजू, अर्चना, तरुणम, सबको राधे राधे। आज संपूर्ण राजस्थान में नेट बंद है, हमारे यहाँ पे टोटली नेट बंद है, इसलिए आज लाइव बच्चे बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि नेट बंद है। संपूर्ण राजस्थान में नेट बंद है। आपके उधर नेट चल रहा है क्या? उधर तो चल रहा होगा, इधर नेट बंद है। शिक्षण अभिवृत्ति। पहला क्वेश्चन है, पीएस ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार
संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या हो सकता है? अनुप्रयोग हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, समझ हो सकती है, क्या हो सकता है? बीएस ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार, ये विज्ञान के अनुसार उच्चतम अधिगम का स्तर क्या है? प्रश्न को समझ के आंसर करना है। बीएस ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? गीता टांक, आते ही धमाका कर दिया। कभी स्वामी, राम राम, बिल्कुल सही है, मूल्यांकन। बीएस ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। बीएस ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतर स्तर मूल्यांकन है। और इसमें देखो, नंबर एक ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब नाम याद रखने हैं, ये सब स्टेप आपको याद रखने हैं मेरे मित्रों। कौन कौन से हैं इसमें? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे परम मित्रों, इनमें सबसे उच्चतम स्तर जो है वो मूल्यांकन का है, तो इनको नाम याद कर लो, एक बार नाम याद कर लो, और एक बार शेयर भी कर देना यार सभी बच्चे, क्योंकि राजस्थान में तो नेट बंद है, जो और आपके ग्रुप हैं उनमें कर सकते हैं। शिक्षण के समानुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? स्वानुभाविक विधि और समस्या समाधान विधि का, व्याख्यान से निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का, प्रशिक्षण विधि और व्याख्यान विधि का, व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा विधि का। प्रश्न को पढ़ के आंसर करो। सनी भाई राम राम, राधे राधे। कभी स्वामी शेयर तो कर दे एक बार भाई। क्या आंसर होगा? सनी बाबू राम राम, कैसे हो आप? बिल्कुल सही आंसर। शिक्षण में समानुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? व्याख्यान से निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने, बी। बी सही है, शिक्षण की समानुदेशन विधि व्याख्यान से निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का संयोजन है। व्याख्यान से निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का प्रयोग दुरा और गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। इन विधियों के द्वारा छात्र का ज्ञान विस्तार तथा बोध विस्तार होता है, साथ ही उनमें विभिन्न कौशल का विकास भी होता है। बिल्कुल सही आंसर है, आराम से पढ़ लें इसको। शिक्षण की स्वानुभाविक विधि का विकास किसने किया था? स्वानुभाविक विधि का विकास किसने किया था? बताइए। सेल्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेल्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड। थैंक यू कभी स्वामी। क्या आंसर है? सेल्फ एक्सपेरिमेंटल, सी। सी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। एच ई आर्म स्ट्रांग, बिल्कुल सही है। एच ई आर्म स्ट्रांग, बिल्कुल सही आंसर दिया है। शिक्षण की
स्वानुभाविक विधि का प्रतिपादन एच ई आर मिश्रांग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिक से निकला है, इसका अर्थ है मैं मालूम करता हूं। अग्रवाल के शब्दों में इस विधि का तात्पर्य बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। तो याद रखना, जो स्वानुभाविक विधि है आर्मस्ट्रांग ने किया था, आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास हुआ था, याद रखना है। और ये स्वानुभाविक विधि, सेल्फ एक्सपेरिमेंटल जो विधि है, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। पढ़ लो इसको अच्छे से, स्वानुभाविक विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है, कृपया कक्षा के छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षण सामग्रियों से उनका मिलान करें। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अंग्रेजी देख लेना, स्मॉल साइज क्लास, 2 से 3 स्टूडेंट, समझ में है ना, फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड, 10 से 15 छात्रों के का मध्यम आकार की कक्षा, पावर पॉइंट या स्लाइड्स, 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा, डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति, 30 से ज्यादा छात्रों की बड़ी कक्षा, कागज पर लिखना, क्या आंसर होगा, दिख रहा होगा आराम से। क्या आंसर होने वाला है, अगर 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा है, 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर 10 से 15 छात्रों की कक्षा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? 20 से 25 छात्रों की कक्षा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? और 30 से ज्यादा छात्रों की बड़ी कक्षा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? डी, वेरी गुड। 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा है तो हम कागज पर लिख सकते हैं, कागज पर लिखकर भी उनको पढ़ा सकते हैं। 10 से 15 छात्रों की कक्षा है तो हम उनको फ्लिप चार्ट के या व्हाइट बोर्ड के द्वारा पढ़ा सकते हैं। और यदि 25 से 20 छात्रों की कक्षा है तो पावर पॉइंट स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। 30 से ज्यादा पर डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति, डी आंसर बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर है मेरे परम मित्रों। अब आराम से दिख रहा होगा, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ठीक है। 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा, कागज पर लिखना। 10 से 15 छात्रों की मध्यम आकार की कक्षा, फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना। 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा, पावर पॉइंट या स्लाइड से पढ़ाना। और 30 से अधिक संख्या होती है, 30 से अधिक संख्या, बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्लियर है। कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कौशल जैसे फटन, श्रवण और उच्चारण आदि पर आधारित होती हैं, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती है? कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री। आराम से पढ़ के आंसर करना है। आज तो पूरे राजस्थान में नेट बंद है मेरे परम मित्रों, याद रखना है। कौशल जैसे फटन, श्रवण, उच्चारण आदि पर आधारित होती हैं, तो ऐसी शिक्षण सामग्रियों को क्या कहते हैं? आज पूरे राजस्थान में नेट बंद है इसलिए बच्चे कम हैं। ए, बिल्कुल सही है,
उसे कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। पढ़ना, अरे भाई आराम से समझना, ये स्किल स्किल कितनी है, SKIL, स्किल कितनी होती है, चार। कितनी स्किल होती है, चार। कौन कौन सी होती है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, LSRW। क्रम ये है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये स्किल है। तो इनको स्किल आधारित, स्किल बेस्ड टीचिंग एड्स बोलते हैं, ध्यान रखना है, इनको स्किल बेस्ड टीचिंग एड्स बोलते हैं। तो जैसे पढ़ना यानी कि रीडिंग हो गया, श्रवण सुनना, लिसनिंग हो गया, उच्चारण, स्पीकिंग हो गया, लिखना, राइटिंग हो गया, ध्यान रखना है। शिक्षण सहायक सामग्री कौशल जैसे फटन, स्वरण, उच्चारण आदि पर आधारित होती है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री कौशल आधारित शिक्षण सामग्री कहलाती है। शोध अभिवृत्ति, किसी शोध विषय की मौलिकता किन घटकों पर निर्भर करेगी, विषय की विशिष्टता पर, उपयोगितावादी आयाम पर, सहयोग प्रणाली पर, प्रवेक्षण की अनावश्यकता पर, अध्ययन की व्यवहार्यता पर, किस पर आधारित करेगी। कूट का प्रयोग करके आंसर चुनना है आप सभी को। बताइए क्या आंसर होगा। किसी शोध विषय की मौलिकता, मौलिकता किस पर डिपेंड करती है, ए गुड़िया मौज कर दी तुमने तो। किसी शोध विषय की मौलिकता विषय की विशिष्टता पर निर्भर करती है, विषय की उपयोगिता पर निर्भर करती है, ठीक है ना, उसकी सहयोग प्रणाली पर निर्भर करती है और अध्ययन की व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। इसलिए आंसर आ गया ए। आंसर क्या आ गया, ए। इसका सही आंसर है ए। मेरे परम मित्रों व्याख्या देखिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। शोध की प्रक्रिया एक ऐसी गहन सुव्यवस्थित व तार्किक प्रक्रिया है जो मानव के ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करती है अथवा वृद्धि करने की दिशा में प्रवृत्त होती है। नवीन सत्यों की खोज करना और पुरातन सत्यों को नूतन ढंग से ऐसी प्रस्तुति करना ही नवीन ज्ञान का सृजन है जो ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। किसी शोध विषय की मौलिकता निम्न घटकों पर निर्भर करेगी, विषय की विशिष्टता, उपयोगितावादी आयाम, सहयोग प्रणाली, अध्ययन की व्यवहार्यता। आराम से पढ़ो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र तथा निर्भर चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध को सबसे मजबूत साक्ष्य मुहैया कराता है, सहसंबंधात्मक उपागम, गैर प्रायोगिक उपागम, प्रायोगिक उपागम, वर्णनात्मक सांख्यिकी। क्या आंसर होगा, बताइए। कुछ बच्चे सी, कुछ डी, कुछ ई। इसका सही आंसर है सी, प्रायोगिक उपागम। बिल्कुल सही आंसर है सी, प्रायोगिक उपागम। प्रायोगिक उपागम के अंतर्गत प्रयोगात्मक शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में विशेष चर या चरों में जोड़ तोड़ करता है और उसका प्रभाव एक दूसरे चर पर अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण प्रभाव संबंध प्रयोगकर्ता एक विश्वास के साथ स्थापित कर सकता है, ध्यान रखना है। पढ़ लो इसको।
मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषताओं को आप क्या कहेंगे? अनुमानी, सांख्यिकी, चर, प्रतिदर्श, क्या कह सकते हैं? मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त, ऊंचाई हो, भार हो, प्रसन्नता जैसी हो कोई चीज हो, तो उसे हम किस नाम से प्रस्तुत करेंगे? सोच के आंसर करो। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त, ऊंचाई, भार या प्रसन्नता को हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ध्यान रखना है, उसे चर कहते हैं। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त, ऊंचाई, भार, प्रसन्नता जैसी विशेषताओं को हम चर कहते हैं। चर, जैसा कि नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है, वह है जिसका मान, वॉल्यू, वैल्यू परिवर्तित होती रहती है। चर कहलाने के लिए किसी वस्तु या चीज या प्रणाली के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक ढंग से ही हो, यह जरूरी नहीं। यदि उनका मापन गुणात्मक ढंग से भी होता है तो भी हम उसे चर की श्रेणी में रखेंगे। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से मापन हो सकता है, ध्यान रखना है, गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक और उसके संगत सिद्धांत का युग्म सुमेलित नहीं है? प्लेटो प्रकृतिवाद, रूशो प्रकृतिवाद, प्लेटो आदर्शवाद, डीबी व्यवहारिकतावाद। अब इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है मेरे मित्रों? यहां पे कभी सांख्यिकी का प्रयोग नहीं होता है, हमारे सांख्यिकी शब्द का प्रयोग नहीं होता। शोध में स्टैटिकल का प्रयोग कहां करते हैं अपन? तो चर का प्रयोग करते हैं। ए, बिल्कुल सही है, प्लेटो प्रकृतिवादी नहीं है, याद रखना है। रूसो प्रकृतिवादी है, प्लेटो आदर्शवादी है, डीबी व्यवहारिकतावाद है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर नहीं है ए। आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा पाश्चात्य यूनानी दार्शनिक के मनोमस्तिष्क की देन है। वैसी भारतीय विचारधारा में भी आदर्शवादी मंतव्य सन्निहित है, फिर भी इस दार्शनिक विचारधारा का मूल उद्गम स्थान यूनान को माना जाता है। आदर्शवाद का सबसे सशक्त प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक प्लेटो है, प्रकृतिवाद का सबसे सशक्त रूसो है, और आदर्शवाद प्लेटो है ही, और व्यवहारिकतावाद का जॉन डीबी है। अच्छे से पढ़ लो, ये सारे नाम याद कर लो। प्लेटो प्रकृतिवादी नहीं है, प्लेटो आदर्शवादी है, ध्यान रखना है। किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं वित्तीय लेखे, प्रारंभिक भाग, उपयोगिता प्रमाण पत्र, शीर्षक पृष्ठ, विषय सूची, अंतिम अध्याय, क्या शामिल हो सकता है? क्या शामिल होते हैं किसी शोध रिपोर्ट में, क्या शामिल करते हो आप? बताइए। नहीं गीता टांग जी, आप प्रकृतिवादी नहीं हो, आप तो खाद्यवादी हो। गीता प्रकृतिवादी नहीं है, खाद्यवादी है। बताइए क्या आंसर होगा।
वित्तीय लेखे शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। प्रारंभिक भाग होता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं होता है, शीर्षक पृष्ठ होता है, विषय सूची होती है और अंतिम अध्याय होता है। तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बी, ध्यान रखना है। किसी समस्या पर शोध करके उससे एक निश्चित निष्कर्ष निकाल लेना ही शोध का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक ढंग से रिपोर्ट करना भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य अन्य लोगों को यह बतलाना होता है कि शोधकर्ता के द्वारा अमुक समस्या का समाधान किस ढंग से किया गया है। शोध रिपोर्ट का प्रारूप निम्नलिखित है। शीर्षक प्रश्न होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमुक होता है, विधि होती है, परिणाम होता है, विवेचना होती है, संदर्भ होता है, परिशिष्ट या अंतिम अध्याय होता है। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। बताइए, पढ़ लो इसको अच्छे से। ये नाम याद कर लेना, ये सारे नाम याद कर लेना, इसके एग्जाम में काम आएंगे। ये सारे नाम याद कर लेना। कम्युनिकेशन संप्रेक्षण, प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेक्षण प्रक्रिया को बनाती है। फीडबैक क्या बनाता है? रेखीय, वृत्तीय, पूर्ण, अंतक्रियात्मक, असंगठित, क्या बनाता है? फीडबैक क्या बनाता है? जो प्रतिपुष्टि है यह कक्षा संप्रेक्षण को क्या बनाता है? नहीं, छाछ राबड़ी हमारा राजस्थान भी है। गीता कवि छाछ राबड़ी, दूध दही, ये राजस्थान में भी खूब होते हैं और हम खूब खाते हैं। घाट की राबड़ी, बाजरे की राबड़ी, मक्के की राबड़ी, ये हमारे यहाँ भी खूब होता है। और हांडी में और बनाते हैं, हम हांडी में बनाते हैं, मटकी में। आप लोग स्टील के बर्तनों में बनाते हैं, हमारे राजस्थान में हांडी में बनती है। बिल्कुल सही है, वृत्तीय होता है, पूर्ण होता है, अंत क्रियात्मक होता है। बिल्कुल आंसर आ गया ए, बिल्कुल सही है। इस सृष्टि पर जीव जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में संचार होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि यह महज एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। संप्रेक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इसको शानदार बनाते हैं। संप्रेक्षक, सूचना या जानकारी, सूचना का माध्यम या विधि, सूचना प्राप्तकर्ता, प्रत्युत्तर या प्रतिपुष्टि। यह ध्यान रखना है, प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेक्षण की प्रक्रिया को वृत्तीय, पूर्ण और अंतक्रियात्मक बनाती है, ये आपको याद रखना है। नहीं नहीं, फेमस हमारे ही हैं, हमारे हैं। यहाँ पे तो एक गाना भी चलता है, नानमाई मत कोई न खीजिए, तू घर चालगी लीजिए, ये गाना भी चलता है हमारे। एक पंडित क्या कर रहा था, फेरों में जो फेरे होते हैं ना, शादी होती है, तो पंडित था, फेरे करा रहा था, तो फेरों में वो क्या कर रहा था कि जो घी होता है वो हवन में डाला जाता है, तो पंडित जी ने एक केतली बगल में रख ली और एक चम्मच तो हवन में डालता और 3 चम्मच अपनी केतली में डालता और उनसे 5-7 किलो घी मंगवा लिया। अब वहां पे एक नान माई बैठी हुई थी, वो देख रही थी सब कुछ, समझ में आई ना, वो देख रही थी, नान माई देख रही थी कि पंडित तो फेरों से घी चुरा रहा है भाई, 3 चम्मच तो अपनी केतली में डाल रहा है, 1 चम्मच इस हवन में डाल रहा है। तो नान माई क्या बोलती है पंडित जी को कि खांगा खांगा पंडित जी, फेरा मैं घी चुरायो। अब पंडित के समझ में आ गई कि यार नान माई को पता लग गया अपन चोरी कर रहे हैं, घी चुरा रहे हैं।
तो पंडित क्या बोलता है, मंत्रों में मंत्री, मंत्रों में बोलता है, मंत्र बोलते हैं ओम भूर भुवः तस्वितुल्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। तो वो बोलता है नानमय मत कोई न खीजे, तू घरा चा लादो घी लीजिए ओम स्वाहा। अब नानमय समझ गई कि पंडित जो ले जा रहा है घी यहां से, वो आदम मुझे भी देने वाला है, आदम मुझे भी देने वाला है। ठीक है, घरा चाल तू घी लीजिए, घी में अदम मद्दा कर जे, तो आदो आदो हो जाएगा। तो भाई हमारे तो यहाँ पे राजस्थान में ये चलता है भाई, छाछ राबड़ी दूध दही घी यहाँ की तो मिट्टी में समाया हुआ है। कक्षा संप्रेक्षण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है टेलीफोन, ईमेल, ग्राफिक्स और स्क्रिप्ट, क्या शामिल होती है बताइए। क्या शामिल होती है? कक्षा संप्रेक्षण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। संजू पूछ रही है सर नानमई कौन होती है? नानमई पे संजू पीएचडी करनी है क्या तुझे? ये तो मैंने एक जोक सुनाया है आपको, ये तो एक जोक है। नानमई पे पीएचडी करनी है क्या? ठीक है, नहीं क्या? बताओ। ग्राफिक्स बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ग्राफिक्स। कक्षा संप्रेक्षण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है ग्राफिक्स होता है। कक्षा संप्रेक्षण के आदर्श प्रस्तुति में ग्राफिक्स शामिल होता है। ग्राफिक्स को हिंदी में चित्रलेख कहते हैं। चित्रलेख ऐसे दृश्य प्रदर्शन को कहते हैं जो किसी दीवार, कपड़े, कागज, पत्थर, कंप्यूटर स्क्रीन या अन्य सतह पर ज्ञान, मनोरंजन, संदेश, मार्गदर्शन, पहचान या अन्य किसी ध्येय से बनाया जाता है। व्याख्या को अच्छे से पढ़ लो, व्याख्या को अच्छे से पढ़ लो मेरे बच्चों, व्याख्या को अच्छे से पढ़ लो, व्याख्या को अच्छे से पढ़ लिया जाए। नमो नमः। सर चैट से, सर छत से पानी आ गया जी, उसको जी थोड़ी देर। अरे छत से पानी आ रहा है तो आने दे, आ रहा है तो आने दे, जो जा रहा है तो जाने दे, बस प्रश्न का उत्तर देती रहो। बताओ पढ़ लिया? नेक्स्ट, कक्षा संप्रेक्षण के संबंध में अंत व्यक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार क्या है? ठीक है, पुरस्कार, प्रोद्भूत, वैध शक्ति, मनोरंजन शक्ति। अब आपको कूट का प्रयोग करके आंसर देना है, ए पे ध्यान नहीं देना है। इस पे ए पे ध्यान नहीं देना है। एपी अवपीड़क शक्ति है, याद रखना है अवपीड़क शक्ति, ये थोड़ा मिस हो गया है, अवपीड़क शक्ति, अवपीड़क शक्ति। तो अंत व्यक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार है अवपीड़क शक्ति है, पुरस्कार की शक्ति है यानी कि पुरस्कार है मेरे मित्रों, प्राद्भूत शक्ति है, वैध शक्ति है, सारे सही हैं इसमें। तो आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, आंसर डी आएगा, बिल्कुल सही है डी। कढ़ी समोसे फेमस हैं अन्नू दुबे राजस्थान में, कढ़ी कचौरी, हाँ अरे यहाँ के कढ़ी कचौरी भी प्रसिद्ध है, अलवर का मिल्क केक प्रसिद्ध है, नगर की जलेबी प्रसिद्ध है, विराट नगर के बेर प्रसिद्ध है, बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, जोधपुर के मिर्च बड़े प्रसिद्ध हैं। बताओ आपको क्या खाना है, क्या ऑर्डर किया जाए आपके लिए? गुलाब जामुन प्रसिद्ध हैं, बताओ क्या ऑर्डर किया जाए आपके लिए, क्या खिलाएं हम आपको?
कक्षा संप्रेक्षण के अंतर्गत अध्यापक छात्र संप्रेक्षण या छात्र छात्र संप्रेक्षण आदि आता है। यह संप्रेक्षण उद्देश्य परक होता है। कक्षा संप्रेक्षण के संबंध में अंत व्यक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार निम्न है: औपीड़क शक्ति, पुरस्कार शक्ति, प्रोद्भूत शक्ति, वैध शक्ति। अंग्रेजी देख लेना, कोरेसिव पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। कक्षा संप्रेक्षण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। क्या सही है बताइए? कवि स्वामी कह रही है राजस्थान में ऊंटनी का दूध फेमस है। अरे हमारे यहाँ पे ऊंटनी दूध नहीं देती है, ऊंटनी के साथ साथ में ऊंट भी दूध देते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, दोनों सही है मेरे परम मित्रों। कक्षा संप्रेक्षण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाए, सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कक्षा संप्रेक्षण के दौरान पूर्व अनुमान के लिए प्रत्येक छात्र के बारे में अनुमान लगाना कठिन होता है। बिल्कुल सही है, उस समय होता है जब विद्यार्थी के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। सही है, अर्थात जब संप्रेक्षण प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर होती है तो कक्षा संप्रेक्षण के बारे में पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है। यह अनुमान लगाया गया कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्धशाब्दिक संप्रेक्षण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेक्षण से खाली स्थान अधिक होता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। बताइए बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, बताइए मेरे चांद और चांदनियों, बताइए। मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे चांद और चांदनियों, मेरे अरमानों, बताइए। अरे मैं तो आपसे मजाक करता रहता हूं यार। अब बच्चों आप बोल नहीं सकते, मैं आपके कमेंट तो देख ही सकता हूं ना यार। बी, बिल्कुल सही आंसर दिया, 2/3 अधिक होता है, 2/3। समझ में है ना? यह अनुमान लगाया गया कि विद्यार्थियों द्वारा निकाला गया अर्थ शाब्दिक संप्रेक्षण के संबंध में अशाब्दिक संप्रेक्षण से 2/3 अधिक होता है, ठीक है। शाब्दिक संप्रेक्षण के माध्यम से प्राप्त सूचना या जानकारी स्पष्ट होती है जिससे प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आ जाता है और इसमें अवरोध भी नगण्य होता है, इसलिए इसे अशाब्दिक संप्रेक्षण से उपयुक्त समझा जाता है। क्लियर है? तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। 11:30 ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है, 11:30 AM किसकी क्लास होने वाली है? ज्योग्राफी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन अगर मुझे दिल से प्रेम करते हैं वो लाइक जरूर करके जाएंगे क्लास को, ठीक है। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, संसार के सभी जीव जंतु निरोगी हों, ठीक है। इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। 11:30 बजे फिर आपके सामने उपस्थिति होंगे जोश और जुनून के साथ।